बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन पाकिस्तान का प्राइवेट निजी सतह पे सबसे बड़ा डेवलपर और एशिया का भी लार्जेस्ट डेवलपर होने का क्लेम करता है, और उसने ये प्रूफ किया कराची के इस प्रोजेक्ट को जिसका नाम बहरिया टाउन कराची है। ओरिजिनली आज हम 2016 की बात करें तो 3 साल इसको लॉन्च हुए हुए हो चुके हैं। एग्जैक्टली सितंबर 2013 में बहरिया टाउन कराची इंट्रोड्यूस किया गया। मज़े की बात यह कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जब इसको लॉन्च किया गया तो इसकी लोकेशन किसी को नहीं पता थी। अच्छा, बहरिया टाउन कराची में अपनी आइकॉन टावर बिल्डिंग बना रहे हैं 2010-11 से, और उसकी लोकेशन सबको पता थी। हमसे जब मीटिंग्स होती थी, बात होती थी, तो उनका जिक्र यही रहता था कि हम ये बिल्डिंग लॉन्च करेंगे। इसके बाद उन्होंने तारिक रोड पर एक बहरिया टाउन टावर के नाम से जो टेक ओवर किया प्रोजेक्ट, जो कि बना पहले कोई और रहा था, वो इनका एक दूसरा प्रोजेक्ट आया, और तीसरा प्रोजेक्ट जिसमें 2 प्रोजेक्ट शामिल थे, जिसमें होशंग पल और ओपल, जो कि कराची के एक सेंट्रल एरिया में है, दाऊदपोता रोड पे और सिविल लाइन की तरफ। इन 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा आइकॉन, बीटी टावर और होशंग और ओपल के अलावा किसी और प्रोजेक्ट का कभी कोई जिक्र नहीं होता था। इसी के हवाले से बात होती थी, इसी के हवाले से मीटिंग्स होती थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब इन्होंने सितंबर 2013 में लॉन्च किया तो बहरिया टाउन कराची एक हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च कर दी, जिसका आज से इससे पहले तक कोई जिक्र नहीं था। और एक बड़ी अमेजिंग लॉन्चिंग थी जिसपे इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेचे, जिसकी इन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस 15,000 रुपये रखी, और लोगों ने बेतहाशा क्वांटिटी में वो सर्टिफिकेट लिए, और उसकी लॉन्चिंग के बाद, उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद, वही 15,000 वाला सर्टिफिकेट मार्केट में उसका सेकेंडरी बायर आ गया, और वो 20,000 से शुरू हो के 2,20,000, 2,25,000 तक उसका सर्टिफिकेट बिका। अब ये बड़ी अमेजिंग बात थी कि यार एक ऐसी चीज़ जिसका अभी कुछ पता नहीं है, उसके प्रोजेक्ट के बारे की लोकेशन का नहीं पता कि वो कहाँ बनेगा, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे इस हद तक ऑन मनी चल जाना, लोगों ने अपने पैसे 10 गुना और 100 गुना कर लिए। 20,000 रुपये की चीज़ 2,20,000 रुपये में बिकनी शुरू हो गई, और उसमें लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में बाइंग भी की। उसका एक उन्होंने लकुना दिया था कि उसको ओपन करवा के बेचेंगे। अब बहरहाल वो ओपन करवाने की डेट इन्होंने पहले जो अनाउंस की थी वो काफ़ी लंबी मियाद पे थी, बाद में उन्होंने ऑल ऑफ सडन उसकी डेट करीबली क्लोज कर दी, तो लोग उसको ओपन नहीं करवा सके। लेकिन बहरहाल उसका मार्केट में एक रेट तय हो गया जो कि 2.5-2.5 लाख रुपये तक भी था। उस चीज़ को देखते हुए बाद में उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की, और वो प्रोडक्ट लाइन इन्होंने फरवरी 2014 में लाए कि अब आप उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बहरिया के इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोडक्ट को बुक करवा सकते हैं। उस वक्त उन्होंने अपनी सरसरी लोकेशन बता दी कि सुपर हाईवे पे तूल प्लाजा से 9 किलोमीटर दूर पे उल्टे हाथ पे बहरिया टाउन बनेगा। वहाँ लोग देखने गए, लोगों को ज़मीन का कोई आइडिया नहीं हुआ कि कौन सी ज़मीन है, बहरहाल लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांडिंग वगैरह कर दी और लोगों ने उसमें बुकिंग करानी भी शुरू कर दी। वो प्रोडक्ट लाइन काफ़ी बड़ी थी, उसमें 125 गज़ से लेके 2000 गज़ तक के रेजिडेंशियल प्लॉट थे, और 125, 200 और 250 गज़ के कमर्शियल प्लॉट थे। उसमें अपार्टमेंट भी थे रेडी प्रोडक्ट्स, उसमें विलास भी थे, 2, 3, 4 बेडरूम के अपार्टमेंट थे, और 125 गज़ और 200 गज़ के विलास भी थे। उनकी बहरहाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुकिंग हुई, और इतना रिस्पांस, मैं समझता हूँ बहरिया टाउन को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि कराची के इस प्रोजेक्ट से उनको इतना रिस्पांस आया था। इसकी जो टेक्निकली या स्टडी करें तो जो मैंने वजह निकाली वो वही थी कि 15,000 रुपये वाला सर्टिफिकेट जो था वो 2.5 लाख रुपये तक गया। तो लोगों ने कहा कि जिसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में इतना नफ़ा है, तो ये जब हम प्लॉट बुक करवा लेंगे तो वो तो पता नहीं 10 गुना और हो जाएगा, और यकीनन उसमें आपकी स्टेक ज़्यादा लगी होगी तो नफ़ा भी ज़्यादा होगा। इसमें सबसे छोटा प्लॉट 125 गज़ का था, जिसकी रजिस्ट्रेशन 1.5 लाख रुपये से हो रही थी, और उसमें वो 15,000 रुपये वाला सर्टिफिकेट लग रहा था। बहरहाल रजिस्ट्रेशन हो गई, लोगों ने बेतहाशा उसमें प्लॉट लिए, और उस सर्टिफिकेट क्वांटिटी में होने की वजह से लोगों ने ज़्यादा प्लॉट 125 गज़ के भी ले लिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट को भी ज़ाया होता हुआ नहीं देख सकता था कि उसमें इतना नफ़ा ऑलरेडी उसने जनरेट किया था। बहरहाल आपने लिया ना लिया एक अलग बात है। उसकी बुकिंग हो गई फरवरी 2014 में, उसके बाद उसकी मार्च 2014 में बैलेटिंग की गई। वहाँ भी थोड़ा सा बहरिया टाउन ने एक लोगों को कहा कि कंफर्म प्लॉट करके भी लोगों ने बुकिंग के पैसे भी दिए इनके अपने डीलर्स को, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों ने जितनी रजिस्ट्रेशन करवाई है उन सबको प्लॉट नहीं मिलेंगे, और ये बैलेटिंग होगी और उसमें जिनको मिल जाएगा वो बड़े लकी होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 23 मार्च को शायद इन्होंने बैलेटिंग की थी 2014 में, और उस दिन तकरीबन 100% लोगों को इन्होंने प्लॉट दे दिया, जिसने जो भरा था उसको वो प्लॉट निकल आया। वहाँ से एक थोड़ा सा सेटबैक भी हुआ कि यार लोगों ने ये सोच के 10-10 या 5-5 प्लॉट भरे थे कि हमें 2 निकलेंगे, 1 निकलेगा तो बाकी हमें पैसे रिफंड हो जाएंगे, लेकिन बहरिया टाउन की हिस्ट्री में आज तक बहरिया टाउन ने कभी पैसे इस तरह से रिफंड नहीं किया, उन्होंने उसको प्लॉट दे दिया। बिकॉज उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि बहरिया टाउन के पास ज़मीन भी कितनी है और उसमें कितने प्लॉट्स होंगे। वो बैलेटिंग हो गई, लोगों को प्लॉट निकाला है। उसके बाद
ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया कि लोगों को कम्प्लीटली तमाम प्लॉट ही निकल आए। जैसा कि मैंने बताया था कि इस तरह का जो डी एच सिटी का प्रोजेक्ट था उसमें 50% बैलेटिंग हुई थी और 50% पैसे रिफंड कर दिए गए थे। यहाँ 100% बैलेटिंग कर दी गई, तमाम लोगों को प्लॉट विलाज अपार्टमेंट जिसने जो बुक किया था उसको वो दे दिया गया। उसके बाद अप्रैल 2014 से काम शुरू हुआ, आज उस काम को हम देखें तो तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं। लेकिन बहरिया टाउन की एक जो बहुत पॉजिटिव और मुस्बत बात है वो ये है कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो आउट क्लास हो रहा है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है और इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ तमाम चीज़ें उनकी बन रही हैं जिसमें अपना प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहरिया टाउन खुद बना रहा है, इसके अलावा अपार्टमेंट्स विलाज और जितनी भी डेवलपमेंट और हो रही है वो डिफरेंट कंपनीज को उसने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो इस 2.5 साल के अरसे में अनबिलीवेबल हद तक काम हो गया और लोगों को यकीन नहीं आता आज अगर कोई जाके वहाँ देखता है कि इसमें इतना काम ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के अरसे में ही हुआ है। लोग समझते हैं यार ये तो 5 साल 10 साल का काम हुआ होगा, लेकिन ये वाकई हकीकत है कि ये सारा काम हमने अपने आँखों के सामने होता हुआ देखा है, जो कि स्टार्ट अप्रैल 2014 से हुआ था और आज अगस्त 2016 में इन्होंने अपने प्रोडक्ट रेडी करके पोजीशन भी दे दी है। और इसमें से जो इनके शुरू के कायद बिल आए हैं उसका पोजीशन भी दिया जा चुका है, कमर्शियल प्लॉट की ज़मीन बिल्कुल रेडी है, P1 के प्लॉट बिल्कुल रेडी हैं और बेतहाशा अमेनिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल पाइपलाइन में हैं जो कि आने वाले 6 महीने से 1 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। और जिनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट लाइन थी जो 4 साल के पेमेंट प्लान पे बेची गई थी उसमें से भी कुछ चीज़ें बिल्कुल नियर टू कम्प्लीशन है, हालांकि उस बात को भी 2.5 साल हुए, 1.5 साल का अरसा भी बाकी भी है। अब आ जाते हैं कि इसमें इस तमाम चीज़ों को लेके मार्केट में उतार चढ़ाव किस तरह से रहा, फाइलों की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ। जैसे ही बहरिया टाउन लॉन्च हुआ उसके इस व्यवहार रिस्पांस को देख के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया और 2014 में इसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में भी लॉन्च हुई। इस फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन के बाद इनकी सेकंड लाइन में भी बहुत सारी चीज़ें आई जिसमें बहरिया हाइट्स, अली ब्लॉक, कायद विला, गोल्फ सिटी और रिसेंटली अभी इनके एक इसी तरह का प्रोडक्ट स्पोर्ट सिटी भी लॉन्च हुआ है। अब इसमें ओरिजिनल फाइलों की कीमत जब स्टार्ट हुई और मार्च में की 2013-14 की बैलेटिंग के बाद से तो वो फाइलों की कीमतें पहले बढ़ी फिर दोबारा गिरी और अल्टीमेटली 2014 में ये बाय द एंड ऑफ ईयर वो उसमें मंदी भी आ गई थी और लोगों को उस नफ़े के बाद नुकसान भी हुआ। अच्छा, बहरिया टाउन के कुछ ज़मीन के हवाले से कुछ मसाइल भी रहे। इनका एक स्कैंडल जो था DHA वैली इस्लामाबाद का जिसमें आर्मी के साथ इनका डायरेक्ट एक मसला था, वो बहरहाल 2015 में भी चलता रहा और अल्टीमेटली इन्होंने उसको सॉल्व किया और मलिक रियाज साहब ने उसमें 55 अरब रुपए की पेमेंट भी की जिसमें DHA वैली का स्कैंडल क्लियर हुआ। उसके बाद से दोबारा इन्होंने बैलेटिंग का कोई फिक्स डेट नहीं दी थी, इन्होंने फाइलें भेज दी थी और पहली बैलेटिंग इनकी जो हुई है वो अक्टूबर 2015 में हुई है जिसमें इन्होंने अब परसेंटेज वाइज इस वक्त बात इसलिए नहीं की जा सकती कि इसमें हमारे पास कोई प्राइमरी डेटा नहीं है कि कितने परसेंट लोगों को बैलेटिंग हुई, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे प्लॉट भी रह गए जिनको बैलेटिंग में नंबर नहीं आया। पहली बैलेटिंग अक्टूबर 2015 में हुई जिसमें मैं समझता हूँ अगर एहतियाती तौर पे अगर परसेंटेज ली जाए तो 20-25% लोगों को उसमें नंबर लगा होगा या इससे भी कम लोगों को लगा होगा और उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रेसेंट्स थे, नक्शे थे, उसमें उसके हिसाब से लोगों को नंबर लगते चले गए और उसके बाद फिर लोग दोबारा वेट करते रहे कि अब दूसरी बैलेटिंग कब होगी कब होगी। और उस बैलेटिंग के बाद से मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो आया और बहरिया टाउन ने क्योंकि अपना स्कैंडल भी क्लियर कर लिया था और उसकी कीमत में भी इजाफा होना शुरू हो गया और उसमें भी कुछ चीज़ों में डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट तरीके से। अब इसका सबसे ज़्यादा महंगा होने वाला प्रोडक्ट मिडवे कमर्शियल है जो कि इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का बेचा था, 125 उसका कमर्शियल प्लॉट, आज उसकी कीमत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह इनका कायद विला है, वो इन्होंने बेचा था 72 लाख रुपए का, आज उसकी कीमत 1.30 से 1.60 करोड़ रुपए डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर लोकेशन। और जो पुरानी प्रोडक्ट लाइन है वो भी तकरीबन अपनी बेची गई कीमत से हर चीज़ तकरीबन डबल हुई हुई है सिवाय 125 उसके प्लॉट के, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो उसमें कीमतों में उस हद तक इजाफा नहीं हो सका। लेकिन इसके अलावा 250 गज़, 500 गज़ विलास, अपार्टमेंट भी बहरहाल कम लोगों ने बुक किए थे, लेकिन तकरीबन हर प्रोडक्ट इसका तकरीबन 50% या 100% इंक्रीज़ हुई हुई है। बहरिया टाउन में इतनी तमाम डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ बड़ी अमेजिंग चीज़ें भी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि कराची शहर के लिए एक बहुत बहुत फ़ख्र की बात है। सबसे पहले बहरिया टाउन ने अनाउंस की दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद जो कि बहरिया टाउन कराची में बनेगी। इसकी एक एग्जांपल हम बहरिया टाउन लाहौर में देख भी चुके हैं जो कि उन्होंने दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद बनाई और डिलीवर कर दी और लोग उसमें ऑब्वियसली वो मस्जिद माशाल्लाह उसके इफ्तिताह भी इमाम काबा ने आके की। और कराची में इन्होंने दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद यानी कि हरम शरीफ मक्का और हरम शरीफ मदीना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद जिसमें 8 लाख नमाजी एक वक्त में नमाज़ पढ़ेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो कि बहुत ही मैसिव तौर पे हो रहा है। और वो मस्जिद अबू धाबी की शेख जैद बिन सुल्तान की जो मस्जिद है उसकी रेप्लिका बन रही है और उससे बड़ी बन रही है।
इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का थीम पार्क, उसमें भी हम देखते हैं तो तकरीबन तमाम राइड्स वगैरह फिट हो चुकी हैं, लैंडस्केपिंग का काम बाकी है और उसकी इनके ओपनिंग डेट टेंटेटिव जो दी है वो दिसंबर 2016 दी है। इसके अलावा नाइट सफारी है, इसके अलावा फूड कार्निवल बन रहा है, इसके अलावा एक और बड़ी अमेजिंग बात यह है कि जो उन्होंने शुरू के प्रेसेंट्स रेडी किए हैं जिसमें P1 है, जिसमें 250 गज के तमाम प्लॉट्स हैं, उस पर लोगों ने प्राइवेटली अपने मकान बनाना भी शुरू कर दिए और दो घरों पर काम होना शुरू हो गया है। साथ साथ इन्होंने अपने रेडी प्रोडक्ट्स बहुत बेचे हैं जिसमें लोग शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कायद विला 2 साल के पेमेंट प्लान पे बेचा गया था, उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट अभी अगस्त में भरी जा रही है और वो ऑलरेडी 3 से 4 महीने पहले पोजीशन दिया जा चुका है उसका, उसके 55 यूनिट्स का कब्जा भी दिया जा चुका है, उसमें फैमिलीज रह भी रही हैं। तो ये एक बड़ी अनयूजुअल बात है क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोग उस कल्चर के आदी हैं कि जो चीज़ 5 साल में बननी होती है वो 10 साल में बनती है, 15 साल में बनती है और लोग वेट एंड सी और मतलब लिंगर होने के आदी हैं। लेकिन बहरिया टाउन ने उस कल्चर को चेंज किया है और अपनी चीज़ों की डिलीवरी जो है वो वक्त से पहले दी है और अभी भी जो 4 साल के पेमेंट प्लान पे जितने प्रोडक्ट लाइन इन्होंने सेल किए हुए हैं वो लग रहा है कि यकीनन आने वाले 1.5 साल में वो तमाम मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद हम टैक्सेशन की बात करें तो जैसे कि किसी भी प्राइवेट स्कीम में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं तो उस प्राइवेट स्कीम के जो मतलब जो स्टेक होल्डर हैं उसको आप ट्रांसफ़र फीस की मद में ही सिर्फ दे रहे होते हैं और जो टैक्स ऑर्डिनेंस का जो बिल है 2001 का 68 का, उसमें भी जो चीज़ किस्तों पर ख़रीदी गई है उस पर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होता। तो यहाँ हम अब तक बहरिया को सिर्फ ट्रांसफ़र फीस दे रहे हैं, किसी किस्म की CVT नहीं है, CGT नहीं है, एडवांस टैक्स नहीं है और बहरिया टाउन लीज़ भी नहीं करता तो कोई स्टम्पिंग है उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जैसा कि FBR के इस नए चेंजेस ऑफ लॉ में 2016 के मुताबिक बहरिया टाउन की भी इन्होंने ऑफिशियल वैल्यू डिक्लेयर की है और बताई है। अब बहरिया टाउन का एक और एडवांटेज ये कि इसने चूँकि 2013 में लॉन्च की, 2014 में प्रोडक्ट लाइन दी तो इसने मार्केट की प्राइस जो है यानी कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रखी है। वो उन्होंने 125 उसका प्लॉट 17.5 लाख का बेचा, 13,800 रुपये गज बेचा, 500 उसका प्लॉट उन्होंने 46 लाख रुपीज़ का बेचा जिसके हिसाब से तकरीबन 9,000 रुपये उसकी वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने रखी हुई है। और इसी तरह विला की भी बात करें तो 50 लाख का बेचा है 200 गज का, तो वो भी 25,000 रुपये गज रखी हुई है। तो वैल्यूज़ इन्होंने ऑलरेडी अपने तौर पर ज़्यादा ही रखी हैं। अब जो FBR ने नया लॉ दिया उसमें उसकी वैल्यू 8,500 रुपये गज दी है जबकि ऑलरेडी बहरिया टाउन ने अपनी ही प्रोडक्ट को 13,800 रुपये गज में भी बेचा है, 9,000 रुपये गज में भी बेचा है। तो उस हवाले से इसमें कोई वो वाइट एंड ब्लैक का इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। जहाँ तक रही टैक्स भरने की बात, अब वो कब से लागू होगा ये हमें देखना है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू दैट तो हमें अब शायद इसमें एडवांस टैक्स या इंटरेस्ट लग जाएगा, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई चीज़ ऑन ग्राउंड हो नहीं रही है। बहरिया ऑफिस में ट्रांसफ़र चल रहे हैं। बहरिया का एक मसला ये है कि क्योंकि एक प्राइवेट इदारा है ये बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है, इसमें कुछ इस तरह के सरकारी मसाइल आ जाते हैं। अब जैसे कि अब इनकी लैंड का भी इशू है, रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दी कि जी इनके लैंड में इशूज़ हैं। अब आफ्टर दैट जजमेंट उसमें लिखा है कि जी काम रोक दिया जाए, लेकिन आप फिज़िकल साइट पर जाके देखते हैं तो काम बिल्कुल उसी पेस पर हो रहा है। इनके ट्रांसफ़र ऑफिस में जाके देखते हैं तो ट्रांसफ़र भी उसी तरीके से हो रहे हैं। नो डाउट मार्केट में फ़र्क तो आया है क्योंकि लोग बहरहाल डरते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट है और उसके में अगर कोई चीज़ लिटिगेशन में जाती है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन काफ़ी लोग रुक भी गए, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गई, लेकिन स्टिल दे आर ट्रांजेक्शन गोइंग ऑन इन बहरिया टाउन और लोग उसमें ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया है, मार्केट थोड़ी नीचे भी आई है। अब फार्म हाउस का प्रोडक्ट है, उन्होंने फार्म हाउस के लिए ज़मीन डिसाइड की, उसमें 240 या 250 के करीब फार्म हाउसेज़ के प्लॉट हैं। इन्होंने सिर्फ प्लॉट दिए हैं जो कि 4,000, 6,000 और 8,000 गज के हैं और उसमें उन्होंने 2-4,000 गज के प्लॉट्स पे फार्म हाउस रेडी भी कर दिए हैं और वो इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि वो लग रहा है कि आने वाले साल या अगले साल के पहले क्वार्टर में वो चीज़ें बिल्कुल अलाइव होंगी, वहाँ शायद लोग उस तमाम सहूलियात को यूज़ कर रहे होंगे जैसे कि ऑलरेडी कायद विला में लोग रह रहे हैं। तो टैक्स के हवाले से ये है कि अभी तक इसमें ट्रांसफ़र फीस है, अब ऑनवर्ड्स आगे क्या होता है, उस पर क्या अमल दरामद किया जाता है नहीं किया जाता, ये हमें देखना होगा। इन्वेस्टमेंट के अतबार से मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन स्टिल बहुत पोटेंशियल है क्योंकि अभी भी जो इसकी प्राइजेज हैं, इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी उससे डबल हुई हैं। बाकी इसी अरसे में हमने देखा DHA की कीमतें 10 गुना हो गई, 12 गुना हो गई, DHA सिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन बहरिया टाउन जो है वो स्टिल अपनी ओपनिंग प्राइस से कुछ चीज़ों में डबल है, कुछ चीज़ों में 50% है, कुछ चीज़ों में ऐसे भी है जैसे मैंने मिडवे की एग्जांपल दी कि 1.5 करोड़ वाला प्लॉट 3 करोड़ से ज़्यादा है तो डबल से भी ज़्यादा 3.5 करोड़ के करीब है। तो इसी तरह लेकिन स्टिल इसमें काफ़ी पोटेंशियल है अभी और जैसे जैसे लोग वहाँ पे आबाद होना शुरू होंगे
उन तमाम फैसिलिटीज़ को यूज़ करना शुरू करेंगे। अभी एक साल से वहाँ पे ऑलरेडी दो रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं जिसमें बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट की चेन्स हैं, वो ऑपरेशनल है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ लोग उसको इस्तफादा हासिल कर रहे हैं उससे। इसके अलावा फूड कार्निवल बन रहा है, उसमें भी तकरीबन 6-7 रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं। फिर इनका भी फ्यूचर में डांसिंग फाउंटेन का भी प्लान है, नाइट सफारी मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, और इसके अलावा इनका एक प्रेसिडेंट क्लब बन रहा है, इनका गोल्फ कोर्स में भी एक अलग क्लब हाउस बन रहा है। और डेवलपमेंट पूरे बहरे टाउन को आप देखें तो हर टुकड़े में, हर इलाके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो ही रही है। और ऐसा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने इससे पहले कहीं नहीं देखा। अपार्टमेंट की बात करें तो 22 टावर अपार्टमेंट के स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट है, उसमें फिनिशिंग का काम हो रहा है, मॉडल अपार्टमेंट भी तैयार कर दिए हैं, उसमें 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं और हमने अपनी आंखों से इसमें 24 आवर्स काम आते हुए देखा है, यानी कि 22 टावर अपार्टमेंट के पिछले 2 साल में खड़े हो चुके हैं और इतनी मास डेवलपमेंट इससे पहले कहीं देखी नहीं गई। और स्टिल गोल्फ़ को आप देखें तो गोल्फ में इन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए गोल्फ टूर्नामेंट का अनाउंस कर दिया है, जबकि अभी तो गोल्फ कोर्स बन रहा है और वो 27 GPA होल गोल्फ कोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और उसमें कुछ टुकड़ा ग्रीन हो चुका है, उसमें लेक्स बन गई हैं, उसमें लाइटिंग हो गई है, नाइट गोल्फ भी खेली जा सकती है, इस तरह का कुछ सिचुएशन भी वहाँ बन गई है। तो इन सारी चीज़ों को देख के लग रहा है कि बहरिया टाउन अभी वक्ती तौर पर तो बहरहाल एक बहरान का शिकार है, जिस तरह से ओवरऑल पूरी मार्केट ही इस बहरान में है, लेकिन आने वाले दिनों में बहरिया टाउन को एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, बिकॉज वहाँ जब लोग शिफ्ट हो जाएंगे और लोगों का उसमें और अतमाद बहाल हो जाएगा कॉन्फिडेंस की, जी डिलीवरी भी मिल गई है तो लोग उसमें मज़ीद बाइंग सेलिंग करेंगे और उसके रेट में इजाफा होने की भी तवक्को है। इसमें बैलेटिंग की बात भी है, इन्होंने पहली बैलेटिंग मैंने बताया कि 2015 अक्टूबर में की थी, उसके बाद सेकंड बैलेटिंग इन्होंने अगस्त 2016 में की है। इसमें भी कई लोगों के प्लॉट्स अभी भी स्टिल ऐसे हैं जो कि बैलेट नहीं हो सके हैं। जब बहरिया टाउन को नक्शे को देखें तो पहली दफ़ा जो नक्शा आया था उसमें इनके 31 प्रेसेंट्स थे, यानी कि ब्लॉक्स की हम बात करें या सेक्टर की बात करें तो उन्होंने अपने सेक्टर्स या ब्लॉक्स को प्रेसेंट्स का नाम दिया है और प्रेसेंट नंबर 1 से लेकर प्रेसेंट नंबर 31 तक थे। उसके बाद इन्होंने स्पोर्ट सिटी लॉन्च किया, वो शायद उसके भी आगे है। अब रिसेंटली इन्होंने जब अगस्त 2016 में बैलेटिंग की है तो उसमें कई और नए प्रेसेंट्स आ गए हैं, जिसमें अब तक जो है सुनने में ही आ रहा है कि 45% भी हैं, 50% भी हैं, हमने यहाँ तक भी सुना कि 62% हो जाएंगे, यानी कि एग्जैक्टली डबल हो जाएंगे, 31% अभी हैं और मज़ीद इतने ही प्रेसेंट आ जाएंगे। अब स्पोर्ट सिटी कहाँ आएगा, तो अभी कुछ चीज़ें वाजे नहीं हैं, ब्लर हैं, अभी समझ नहीं आ रही हैं और इनकी कोई वजाहत नहीं है, तो इसलिए भी मार्केट में अभी थोड़ा सा एक मामला रुका हुआ है। और ये देखें कब तक ठीक होता है, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए, टैक्स का मामला थोड़ा सेटल ना हो जाए, तो मार्केट थोड़ी रुकी भी रहेगी। अच्छा, बहरिया टाउन ऑब्वियसली ये भी एक आउटस्कर्ट स्कीम है, कराची शहर से एयरपोर्ट से अगर आप इसको काउंट करें तो तकरीबन 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर हो जाता है, तूल प्लाज से 9 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इसका एक्सेस यहाँ पे लोगों की रसाई कैसे होगी। तो इस हवाले से बहरिया टाउन ने अनाउंस किया था कि बस ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो बसेस का इंतज़ाम होगा, जो कि बहरिया टाउन से टावर और एयरपोर्ट से बहरिया टाउन दो रूट्स होंगे, वो बनाई जाएंगी। अब इस सिलसिले में हमने देखा कि बहरिया टाउन के पास जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीज़ें तो डेवलप कर देता है, लेकिन कुछ सरकारी मामला ऐसे हैं, जैसे कि इन्होंने अपने आइकॉन के पास एक ब्रिज बनाना था, तो वो ब्रिज इन्होंने जब बनाना शुरू किया उसके बाद उस पर स्टे लग गया, 8 महीने तक उसका काम रुका रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने 1.5 साल के अरसे में वो मुकम्मल कर लिया, जिसमें से 8-9 महीने काम रुका रहा। तो ये लोग काम तो कर देते हैं। अब ये बस ट्रांजिट वाला मामला अगर बन जाता है, और जैसा कि जिसका पहले मैंने जिक्र किया कि मलिर मोटरवे, मलिर एक्सप्रेसवे जो बननी है, उसका भी कुछ एडवांटेज बहरिया टाउन को मिलेगा, क्योंकि वो इस एग्जिस्टिंग DHSE सुपर हाईवे पे ही उसका एक्सेस होगा और वहीं वो पहुंचेगी, तो वहाँ से बहरिया टाउन को भी उसका कोई एडवांटेज हो सकता है। और ऑलरेडी M9 ये कराची मोटर हैदराबाद मोटरवे बन रहा है, उसमें आप देख रहे हैं एक्सटेंशन का काम भी हो रहा है, और ये बस ट्रांजिट सिस्टम अगर बना दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी की रीच में बहरिया टाउन बहुत ईजीली हो जाएगा और इसमें लोगों की आबादी का तस्वुर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि वाकई वहाँ उसमें लोग रहने के लिए जाना पसंद करेंगे।